हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही कमाल के किचन टिप्स, जो खाना को टेस्टी बनाने के साथ साथ आपके काम को बेहद आसान भी बनाएगा। तो नंबर वन टिप में देखेंगे, घी में तलते समय कोई चीज़ बिखर रही है तो उसमें एक या दो डबल रोटी को पीसकर मिला दें। और सेकेंड नंबर टिप में देखेंगे, यदि पुदीना धूप न मिलने की वजह से ना सूख रहा हो तो 30 सेकेंड माइक्रोवेव में घुमाएं और कांच के डिब्बे में भर लें। और थर्ड नंबर टिप में देखेंगे, कोई भी भरवा सब्जी बनाते समय मसाले में थोड़ा सा भुना मूंगफली का चूर डाल देने से सब्जी का स्वाद बढ़ जाएगा। और फोर्थ नंबर टिप में देखेंगे, आलू उबालते समय पानी में एक चुटकी नमक डालने से छिलके उतरने में आसानी होगी। और फाइव नंबर टिप में देखेंगे, देसी घी को अधिक दिनों तक ताज़ा रखने के लिए उसमें एक टुकड़ा गुड़ और एक टुकड़ा सेंधा नमक डाल दें। सिक्स नंबर टिप में देखेंगे, दही से बनी सभी सब्जियों में नमक तभी डालें जब तक कि सब्जियों में उबाल न आ जाए। पहले से नमक डालने पर दही से बनी सब्जियां फट जाती हैं। सेवन नंबर टिप में देखेंगे, पनीर को नरम रखने के लिए उसे तलने के बाद गर्म पानी में डालें, इसके बाद ही उसे सब्जी में मिलाएं और हल्का पकाएं। एट नंबर टिप में देखेंगे, अनाज अंकुरित करने के लिए महीन कपड़े में बांध फ्रिज में रखने से उसमें पानी में पड़े रहने जैसी स्मेल नहीं आएगी। और नाइन नंबर टिप में देखेंगे, रायता में नमक सर्व करते समय डालें, इसे रायता खट्टा नहीं लगेगा। और टेन नंबर टिप में देखेंगे, आटा गूंथते समय पानी की बजाय दूध का उपयोग करें, पूरियां नरम बनेगी। और इलेवन नंबर टिप में देखेंगे, आमलेट को बनाते समय इसमें एक चम्मच दूध मिला लें, इससे हमारा आमलेट मुलायम और सफ़ेद बनेगा। और ट्वेल्व नंबर टिप में देखेंगे, हरी सब्जियों को उबालते समय इसमें थोड़ा सा नमक और चुटकी भर चीनी मिला दें, इससे सब्जी का हरा रंग बरकरार रहता है। और 13 नंबर टिप में देखेंगे, आलू को उबालते समय पानी में थोड़ा सा नमक डालें और ऐसा करने से आलू फटेंगे नहीं और इसका छिलका भी आसानी से उतर जाएगा। और 14 नंबर टिप में देखेंगे, नारियल की बर्फी बनाते समय दूध की जगह मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करें। और 15 नंबर टिप में देखेंगे, छोले और मटर को जल्दी में उबालना हो तो इसमें नारियल तेल की 3 से 4 बूंद इस्तेमाल करें, इससे हमारे छोले और मटर जल्दी से उबल जाएंगे। बहुत ही अच्छा टिप है फ्रेंड्स, तो इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट टिप में देखेंगे, 16 नंबर टिप, अगर आप दाल को कुकर में बना रहे हो तो इसमें 3 से 4 बूंदे सरसों के तेल की डालें, ऐसा करने से जो दाल का पानी है वह कुकर से बाहर नहीं आएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा टिप है फ्रेंड्स, इसे भी आप इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। और 17 नंबर टिप में देखेंगे, रसेदार सब्जी का मसाला भूनते समय इसमें थोड़ा सा मीट मसाला इस्तेमाल करें, इससे हमारी सब्जियां का स्वाद दुगना हो जाता है। और 18 नंबर टिप में देखेंगे, पूरी का आटा गूंथते समय इसमें थोड़ी चीनी, नमक और अजवाइन और रिफाइंड तेल डालें, इससे आपकी पूरी खस्ता बनेगी। तो बहुत ही अच्छा टिप है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट टिप है 19 नंबर टिप में देखेंगे, सूखी सब्जी जब बनकर तैयार हो जाए तो आप इसे किचन किंग मसाले डालें, इससे आपकी सब्जी में अच्छा स्वाद आएगा। और 20 नंबर टिप में देखेंगे, दही को जमाते समय इसमें थोड़ी चीनी डालें, इससे आपका रायता बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा टिप है, इसे आप एक बार प्रयोग ज़रूर करिएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि जो भी हमारा न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।